क्या खास वजह आपको लगता है कि इस तरह की अगर इंटरनेशनल डांस डे हम मनाते रहें तो इसका महत्व मतलब वैलेंटाइंस डे और फ्रेंडशिप डे की तरह बढ़ता जाए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री जो है इट इज़ अ डांस ओरिएंटेड कंट्री। हमारे हर फेस्टिवल में डांस होता है, हर मूवीज़ में डांस होता है, तो वी आर डांस ओरिएंटेड पीपल। हमारे लिए एक्चुअली हर दिन इज़ डांस डे, बट आज का दिन जो है ये डांस डे हमारे कंट्री के डांसर्स के लिए नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज के डांसर्स के लिए है। सो दिस इज़ वॉट इज द डे कॉल्ड द इंटरनेशनल डांस डे, जहाँ पे आप दूसरे कंट्रीज़ के डांसर्स के बारे में जान सकें, पहचान सकें, या आप स्टडी कर सकें। इफ़ यू गो टू एनी यूरोपियन कंट्री यू वुड गेट टू सी इंडियन डांस एज वेल, because for them we become international. So it's one platform to promote dances of various places and to know about them. अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो बॉलीवुड में एक खास डांस है जो ट्रीज के अराउंड घूमते रहते हैं, तो सालसा को कितना महत्व दे पाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना महत्व आप लोग दे पाएंगे? एक्चुअली जो मोस्टली मोस्ट इंटरनेशनल डांसेज हैं वो कपल डांस फॉर्म होते हैं, लड़का लड़की एक साथ डांस करते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है कि यू हैव बॉय डांसेज एंड गर्ल डांसेज, बट मोस्टली इंटरनेशनल डांसेज आर कपल डांस फॉर्म्स। तो एक्चुअली दे हैव लॉट ऑफ स्कोप इन बॉलीवुड, बिकॉज हमारी फिल्में इज ऑल अबाउट लव एंड टुगेदरनेस एंड फैमिली वैल्यूज, तो उसके लिए ट्रू सेंस में काफ़ी यूज हो सकता है। बट द स्कोप इज मे बी फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ, डेफिनेटली इट विल बी। कुछ साल अगर पहले आप देखें तो किशोर कुमार ने लॉट ऑफ चाचा चांद, लव जाइव एंड लॉट ऑफ वियनीज वॉल्सेस वर देयर, पर बाद में चेंज हो गया, डिस्को केम इन, नाउ हिप हॉप केम इन, बॉलीवुड डांसिंग इज कमिंग। आई एम श्योर इट विल बी अ सर्कल एंड ballroom and latin will come back again. काजल को हमने कभी ऐसे इस तरह से सालसा वालसा करते हुए तो कभी देखा नहीं है, तो कितना मुश्किल था आपके लिए उन्हें सिखाना? एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ, शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, और जब उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया तो आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो टोल्ड कि वो इतनी अच्छी डांसर नहीं है, बट शी इज़ अ फैबुलस डांसर, और आज आप ये लोग देखेंगे। इतने सारे आपके बॉलीवुड स्टूडेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट को आप नंबर 10 में से 10 मार्क देना पसंद करेंगे? मैं नंबर तो देना किसी को पसंद नहीं करूँगा, आई थिंक दैट्स नॉट राइट टू जज एनीबडी बाई गिविंग दम नंबर्स, बट आई वुड से माई फेवरेट स्टूडेंट इज किट्टू गिडवानी। वो मेरे साथ बहुत टाइम से हैं, मैंने एडवांस क्लासेस में डांस करती हैं, वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, जो सब एक स्टूडेंट में होना चाहिए। अगर आप मैं उनको बोलूँ आप रात को भी आकर रिहर्सल करिए या सुबह सुबह जल्दी आइए रिहर्सल करने के, तो वोट किया जाती हैं। और इतना एंथुजियाज़म जो है, एंथुजियाज़म, डेडिकेशन, इमोटिंग वैल्यू जो है, वो सब जो स्टूडेंट में होनी चाहिए। All that is there in Kittu, and she's my favorite student. आपको क्या लगता है कि डांस सीखने के लिए उम्र का लिहाज होता है या बिना उम्र के कोई भी उम्र? बिल्कुल नहीं, उम्र तो मेरे ख्याल से और वजन दो चीज़ें हैं जो बिल्कुल डांस के बीच में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए और नहीं नहीं आती हैं कभी। डांस एक ऐसी चीज़ है जब आप उसको दिल से डांस करना चाहिए, एंड द मोमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, द फीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, साइज, वेट, सेक्स डजंट मेक अ डिफरेंस। अभी मैं एक न्यू फिल्म रिलीज होने वाली है, उसके हमारा काम चालू है, इट्स कॉल्ड साइक्लोन, इट्स मिस्टर एन चंद्रा, इट्स अ फिल्म व्हिच इज कम्प्लीटली लैटिन अमेरिकन डांस बेस्ड मूवी, इट इज समथिंग व्हिच इज ऑन लाइंस विद डांस विद मी, सो वी विल सी डांसिंग फ्रॉम द फर्स्ट सॉन्ग टू द लास्ट सॉन्ग एट ऑल इंटरनेशनल डांसेस। इस इवेंट से छोड़ के एक अलग से सवाल पूछना चाहूंगी, मदर्स डे आ रहा है तो आपके लिए क्या मायने रखता है मदर्स डे? Oh, every year Mother's Day, I take my mother out. Mother takes her mother out, and it's like a all mothers dinner that we always go for together. And I just love that special day. And if I'm not with her, I make sure I send her a gift, or I make sure I call her up and just make her feel special on this day, because that's her day. I'm not a very Bollywood person, but I have seen some glimpses, and Nirupa Roy, I believe, was the ideal mother. Was ma karke sab unko bulate the, so I guess she is the ideal Bollywood mother. Thank you.